अगियाओं प्रखंड के रतनार पैक्स अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता पैक्स कार्यकारिणी बैठक किया गया, जिसमें ऐसे किसानों को चिन्हित किया जाएगा जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, जो अभी तक पैक्स से नहीं जुड़े हैं, उनको प्रेरित कर पैक्स से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। किसान पुत्र भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अगियाओं में पैक्स अध्यक्ष कार्यकारिणी संघ की बैठक आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित सदस्यों को होली की बधाई दी गई। साथ ही सभी सदस्यों को बताया गया कि वैसे किसानों को चिन्हित किया जाए जिनका अभी तक किसान रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जो अभी तक पैक्स से जुड़े नहीं हैं, उनको हर हाल में प्रेरित कर पैक्स में जोड़ने का प्रयास किया जाए। हमारा प्रयास है कि वर्ष 2030 तक अपने पैक्स में 500 कमेटी का बड़ा गोदाम हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। मौजूद है और हम सब के वरिष्ठ गाजीवाले इस पैक्स में, जो कि सबसे वरिष्ठ हैं श्री सुरेश काका जी, उनको रंग और जो है इसे खाम से सम्मानित करेंगे श्री सुरेश्वर चंद्रवंशी जी, सुरेश काका जी को। काका जी थोड़ा थोड़ा उठे देख ली सर, हाँ फोटो ले लो ना। हाँ फोटो ले लो, नहीं करे ऐसे डाले। हाँ हम सब के बड़े भाई बसंत सिंह चाहेंगे कि थोड़ा सा आ जाइए यहाँ। बड़े भाई को जो है सम्मानित करेंगे हम सब के गाजीवन श्री सुरेश काका जी, इनको जो है होली के अवसर पर कुछ गिफ्ट प्रदान करेंगे। महिला सदस्य के रूप में जो कि काफी वरिष्ठ और अनुभवी, मैं एक वीडियो भी बना ला है, और जिनका नाम है श्रीमती कलावती देवी जी, श्रीमती कंचन देवी जी, इनसे हम चाहेंगे कि आए और जो है श्रीमती कंचन देवी को सम्मानित करें। आए कंचन देवी जी, कंचन देवी कंचन देवी के प्रिय श्रीमती कंचन देवी जी को सम्मानित करेंगी श्रीमती निशा देवी जी, उनसे चाहेंगे कि आप आए। श्रीमती निशा देवी जी कंचन देवी को सम्मानित करें, ऐसे है ऐसे सामने ऐसे करें ऐसे करें ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ हाँ रुक इधर ही रखो, रुक हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती निशा देवी को सम्मानित करेंगी कलावती देवी जी, आइए कलावती देवी जी आइए। श्रीमती कलावती देवी जी को सम्मानित करेंगी श्रीमती कलावती देवी। हाँ श्रीमती कलावती देवी, दो दो कलावती देवी और दो कंचन, दो कंचन देवी हम सबों के बीच में है सदस्य के रूप। आइए या
अब श्रीमती कलावती देवी जी को पैक्स अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सम्मानित कर रहे हैं। होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ। इनके परिवार में बहुत सारी जो है खुशियां है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब के अभिभावक स्वरूप काफी अनुभव जिनके पास है, आज विगत 15 वर्षों से पैक्स के समिति के सदस्य के रूप में सुशोभित कर रही है श्रीमती रीता देवी जी। श्रीमती रीता देवी जी से हम चाहेंगे कि कृपया मंच पर आए और आपको बहुत बहुत सारा होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और आपके सदैव परिवार खुशहाल रहे। होली की आप जो है पर्व उत्साह उमंग के साथ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम किसान पुत्र भानु प्रताप सिंह सब पैक्स अध्यक्ष रतनार अपने पैक्स के जो तमाम सदस्य हैं अभिभावक के रूप में श्री सुरेश काका जी हम सबों के गार्जियन एवं बड़े भाई के रूप में श्री बसंत सिंह जी एवं परम गार्जियन श्री सुरेश्वर चंद्रपाल सिंह जी, महिला सदस्य श्रीमती कंचन देवी जी, प्रथम श्रीमती कंचन देवी जी, द्वितीय श्रीमती कलावती देवी जी, प्रथम श्रीमती कलावती देवी जी, द्वितीय श्रीमती रीता देवी जी एवं श्रीमती जो है निशा देवी जी एवं अन्य सदस्यों के बीच हम सब जो है आज होली मिलन समारोह जो है का संदेश पूरे अपने रतनार पैक्स के तमाम किसानों महिलाओं माताओं बहनों को जो है दे रहे हैं कि आप सब भी इस होली के त्योहार पर जो है प्रेम सौहार्द बनाकर आप होली मनाइए, खुशहाली आपके जीवन में सदा बना रहे। रंगों का त्योहार जो होली है, आप सब आपसी प्रेम सद्भावना बनाकर जो है और एकत्रित होकर होली मनाए, अपने आपके परिवार के लिए, अपने पंचायत के किसानों के लिए, अपने जो है तमाम किसानों माताओं बहनों मजदूरों सभी को होली का बहुत बहुत बधाई। अपने पैक्स की ओर से, पैक्स के तमाम सदस्यों की ओर से हम सब होली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। आप सभी सदस्यों को जो है एक बात और बताते हुए हमें खुशी हो रहा है कि रतनार पैक्स के तरफ से जो भी अपने गांव की जो छात्रा है या पंचायत की छात्रा फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक में या इंटर में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुई है, उनको हम लोग जो है प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि अपने पैक्स के रतनार पैक्स के तरफ से 15 अगस्त को जब झंडा तोलन होगा तो उसमें जो है अपने गांव पंचायत की जो भी छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक और इंटर में उत्तीर्ण हुई, जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है, उनको हम लोग उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो है रतनार पैक्स की ओर से मेडल प्रदान करेंगे। उसको इनाम स्वरूप जो है पूरे समाज के बीच उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे ताकि और जो भी छात्राएं पढ़ने में अपने को समय कम देती है, वैसे छात्रा भी है, वैसे लड़कियां भी आगे आए और पढ़ें लिखें। यह हम सबका जो है आज ही से हम सब जो है यह बात घोषणा करते हैं। यह तमाम सदस्यों से आग्रह है कि इस बात का जो है प्रचार प्रसार अपने गांव घर में आप सब करेंगी, अपने लोगों के बीच बताएंगे कि जो भी आप सबों के समाज के बीच आप सबों के अगल बगल जो लड़कियां मैट्रिक में या इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है वो अपना आकर नाम हमारे पास इस कार्यालय में लिखवा लेंगी और उनको जो है 15 अगस्त का जब झंडा तोलन होगा उसमें उनको जो है हम लोग उत्साहित करेंगे। तो हम सबका उद्देश्य है कि अपने गांव पंचायत की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उसका जो है भविष्य उज्ज्वल हो और पढ़ने में जो है अव्वल आए और आज पंचायत में नाम रोशन करें, कल प्रखंड में नाम करें, परसों जिला में नाम करें और तरसों जो है प्रदेश में नाम करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ उन सबों को भी होली का एक बार पुनः पुनः बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत
जैसे हम लोग का पैक्स समिति है, या देखिए इसका नाम है समिति, तो इस समिति का कर्तव्य है कि जो भी हम लोग को मिलजुल कर व्यवसाय करना है, उस व्यवसाय में यदि जो भी आमदनी होगी उस आमदनी में हम सब जो है उसका खर्चा निकालकर उस फायदे में जो है हम सब लेने का या बांटने का प्रयास करेंगे, उससे जो है हम लोग का अपना खर्चा निकले, परिवार के लिए जिनको उपार्जन हो। तो समिति है, टैक्स क्या है, समिति है। उसी तरह के जो है समिति महिलाओं ने क्या नाम है उस समिति का जी, जीविका, जीविका के माध्यम से जो है बहुत सारे महिलाएं जो है अपना समिति चलाती हैं। और उस जीविका में अभी वर्तमान समय में दो चार दिन हुआ बेरथ के जीविका जो है उसमें बहुत सारे मधुमक्खी का बक्सा आया है और मधुमक्खी पालने का जो है संकल्प ली है। उसमें से कंचन देवी जी हैं जो जीविका की, आप क्या हैं कंचन देवी जी? जीविका में मधुमक्खी सखी अध्यक्ष। मधुमक्खी सखी के जो है कंचन जी, कंचन देवी जी अध्यक्ष हैं और हम सबों के बीच है, हम सबों के पैक्स का भी सदस्य है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और हार्दिक शुभकामना बधाई। तो आप सब बेरथ में मधुमक्खी जो लाई है इसका दूरगामी परिणाम जो है गांव में दिखेगा। ऐसे किसान का भी फायदा है सुरेश काका जी, किसान का फायदा क्या है कि मधुमक्खी जो है पराग कण बनाती है, इस फूल पर से जाकर उस फूल पर जब बैठेगी तो उस फूल का जो है उसमें फल ज्यादा लगेगा, और फल जब पौधा में ज्यादा लगेगा तो उसका उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों को जो है आमदनी बढ़ेगी ज्यादा। तो किसान भाई को चाहिए जो है जो भी यहाँ के जो सम्मानित किसान है, जो भी विस्तृत रूप से जो खेती करते हैं, बगीचा लगाए हैं, चाहे और बहुत सारे फसलें उगाए हैं, उन किसानों का भी चाहिए कि मधुमक्खी पालन में जो महिलाएं अपना जो है निष्ठा रखी है, जो संकल्प लेकर कर रही है, उनको मदद करने में आगे आना चाहिए, क्योंकि उसका जो है हित, उसका लाभ उन किसानों को भी मिलेगा। उस मधुमक्खी के देन से उनका 25% फसल का जो है उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और जब उनके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो उनके आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो जो है कैमरा मैन से चाहेंगे कि एक बार जो है सभी का जो है पुत्री सभी का फोटो ले ले, जो भी हम सब के सदस्य के रूप में जो है बैठी है, तमाम महिलाएं माताएं एवं जो है सदस्य अभिभावक के रूप में गाजीवन श्री सुरेश काका जी, श्री बसंत सिंह जी। तो हम तमाम सदस्यों से यही निवेदन करेंगे कि जो मधुमक्खी आई है इसका जो है लाभ, जो इसमें लागत खर्च जो है बहुत कम है, केवल जो है परिश्रम करना है, समय अपना देना है और लागत बहुत कम है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आमदनी है। उस मध का कीमत कम से कम 1,000 रुपए केजी से कम नहीं होगा, तो उससे 2-3-4 फायदे हैं। आपका पर्यावरण भी बना रहेगा, फसल का भी उत्पादन बहुत ज्यादा होते रहेगा, और उससे आमदनी भी आपको आते रहेगी। तो अभी बहुत सारी योजनाएं हैं किसान हित को, ये किसान हित में किसानों को बताया जाए, जैसे कि फसल क्षति का जो है फॉर्म भराता है, फसल बीमा का फॉर्म भराता है, मजदूरों के मजदूर किसानों के लिए श्रमिक फॉर्म भराता है। तो अभी वार्ड साहब जो आए थे उनसे आग्रह किया गया कि सभी को जो है आप सब पंचायत के प्रतिनिधि उनको जॉब कार्ड उपलब्ध करवा दीजिए, और जो मुकले बाद जॉब कार्ड उपलब्ध हो जाएगा तो हम सब श्रमिक योजना से उनको जोड़कर 5,500-6,000 रुपया का लाभ दिलवाएंगे। अभी बहुत सारे हम सबों के बीच में किसान भाई वैसे हैं जिनका जो है किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के 6,000 रुपया जो मोदी जी की तरफ से मिलता है, बहुत सारे किसान लोग वंचित है। लेकिन हम सब प्रयास किए हैं कि 200-400 किसानों को जोड़ा गया, लेकिन अभी 2,000-500,000 किसान बाकी है। तो हम सबका प्रयास हो कि वैसे जो भी वंचित किसान है जो अभी तक नहीं इसका लाभ लिए हैं, हम सब उनको प्रेरित करके उनको इस योजनाओं का लाभ बताकर उनको प्रयास करें कि हम लोग जुड़वा दें, उनका लाभ दिलवा दें। यदि इस बातों में आप सबको कठिनाई आती है तो आप सब जो है हमें बताएं, हमारे पास भेज दें, हम उनको जो है इस कार्य में आगे आने के लिए मदद करेंगे। और जो है तमाम योजनाओं की जानकारी हम सब जोड़ लिए, और समय पर ये अगले 2 दिन में होली भी आने वाला है, उस पर्व का भी आप सभी तमाम अपने सदस्यों को एवं पंचायत के जनताओं को, किसानों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को होली के पर्व पर इससे जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई। आप सब प्रेम और सौहार्द से होली मनाएं, आपस में जो है
एकजुटता बनाकर होली का पर्व का आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत होली का हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, प्रणाम, नमस्कार।